हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो गाइस आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूं आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है जोबिस ब्राइडल ब्राइटनिंग फेस क्रीम अल्ट्रा रेडियंस तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना इसी से मिलती है हमें मोटिवेशन और अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करने की तो गाइस आज मैं आपके साथ जोविस ब्राइडल ब्राइटनिंग फेस क्रीम अल्ट्रा रेडियंस का रिव्यू शेयर करने जा रही हूं इस प्रोडक्ट को यूज करके मुझे कैसा फील हुआ ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ इसका शेयर करूंगी तो गाइस ये प्रोडक्ट जो जो भी इसकी ब्राइडल ब्राइटनिंग फेस क्रीम है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है और यहाँ पे इन्होंने इनका नेट वेट जो मेंशन किया है वो है सिक्सटी ग्राम और अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस है इसका टू सेवेंटी फाइव रुपीज़ तो गाइज़ जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता देती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अवेकन ईच डे विद अ ब्राइटर आउटलुक एंड ब्राइटर स्किन दिस ब्राइडल ब्राइटनिंग फेस क्रीम ड्यूज यूजिंग लेटेस्ट साइंटिफिक प्रोसेसिस कंटेन्स अपटेंट टर्मरिक एक्सट्रैक्ट अलॉन्ग विद पावरफुल प्लांट एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट विच वर्क टूगेदर लिविंग स्किन लेमिनियस एंड रेडियंट ऑल्सो हेल्प्स टू सपॉट स्किन नैचुरल रिपेयर प्रोसेसिस दैट हैपन्स एट नाइट तो गाइज यहाँ पर जो इन्होंने मेथड इसका यूज करने का मेथड क्या है वो भी मैंशन किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ वर्कस ड्यूरिंग द नाइट अ की टाइम फॉर स्किनस नैचुरल रिपेयर बिफोर गोइंग टू बेड वॉश यूअर फेस एंड देन अप्लाई अ स्मॉल क्वेंटिटी ऑल ओवर फेस एंड नेक एंड लीव ऑन एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स इसके क्या हैं टर्मरिक रू, रूट एक्सट्रैक्ट स्ट्रॉबेरी फ्रूट जूस पपाया फ्रूट जूस वाटरमेलन फ्रूट जूस हनी लेमन फ्रूट जूस ग्रेप फ्रूट जूस एंड जोजोबा ऑयल तो गाइस जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जो टर्मरिक होती है वो हमारी स्किन पे जो भी दाग धब्बे होते हैं उन्हें लाइट करने में हमारी हेल्प करती है जो हनी होता है वो भी हमारी स्किन को ग्लोइंग दिखाने में और जो भी हमारे फेस पे दाग धब्बे होते हैं कील मुहासों की प्रॉब्लम होती है उन्हें लाइट करने में हेल्प करता है एंड ग्रेप्स भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड पपाया भी तो इसमें जो भी इंग्रीडियंट्स ऐड किए हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बेनिफिशियल हैं अगर आप इस फेस क्रीम की यूज़ करने में बोले तो आपको क्या करना है आपको एक बार इसे सुबह यूज़ करना है और एक बार रात को सोने के समय तो आप इसे दिन में दो बार यूज़ करेंगे तब भी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप अपने फेस पे इंस्टेंट वाइटनिंग एंड ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आप इस क्रीम को ज़रूर यूज़ करें तो गाइस ये है ब्राइडल ब्राइटनिंग फेस क्रीम तो इन्होंने इसकी पैकेजिंग भी उसी टाइप की की है और अगर आप अभी ब्राइट बनने वाली हैं या फिर बन चुकी हैं वैसे तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ग्लोइंग स्किन आपको देगा तो गाइस अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें जो भी इसका कलर क्या है इसे अपने हाथ पे लगा कर दिखा रही हूँ आपको तो गाइस अगर हम इसके कलर की और टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में नहीं है और इसका कलर जो है ना वो लाइट पिंक है लाइट बिल्कुल हल्का सा पिंक कलर है पिंकी शेड आती है इसमें और अभी मैं आपको इसे अपने हाथ पे आपको कैसे करना है कि आपको अपने फेस पे डो डोट करके लगाना है और उसके बाद आपको हल्की सी से मसाज करनी है गाइस अगर आपने फेयर लवली यूज़ की है आपको इस इस क्रीम को यूज़ करने के बाद ना वैसा ही फील होगा आपको इंस्टेंट वाइटनिंग स्किन देगा तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें और गाइस जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है तो सभी स्किन टाइप्स वाले लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा मैंने इसे पर्पल डॉट कॉम से परचेज़ किया था पर्पल डॉट कॉम पर वैसे ऑफ़ चलती रहती है कभी फ़ोर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट या फिर फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ रहती है तो आप अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आप वहाँ से चेकआउट कर लेना और गाइस अगर आपने मेरा पर्पल हॉल नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप और होम रेमेडीज़ देखना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट के रिव्यू देखना चाहते हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से चेकआउट कर लेना और गाइस यही थी मेरी आज की रिव्यू अगर मैं अपने पर्सनली बात करूँ तो मेरा इसके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना